हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल नाम की एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें आप लोगों को टोटल के टोटल फंडामेंटल के थ्योरी प्लस जो भी फंडामेंटल बेसिक्स होते हैं वो सारे जानकारी दे चुके हैं। बट आज जो हम लोगों का है वो डीपीपी सेशन हो रहा है। इस डीपीपी सेशन में आपको नीम सेट के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और नीम सेट या अदर एग्जाम की बात करी जाए एमसीए एंट्रेंस में, तो आप लोग ज़्यादातर देखेंगे कि कंप्यूटर पोर्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग ये 3-4 हम लोगों का डीपीपी सेशन होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को 99% चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन जो आएगा वो टैकल हो ही जाएगा। तो चलिए आज का अपना डीपीपी सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये थोड़ा मेरे बारे में जानकारी है, आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोगों को मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो टोटल का टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को किस ईयर में आया हुआ है और किस एग्जाम में आया हुआ है, तो ये टोटल का टोटल फॉर्मेट दे दिया है। आप लोगों को यदि क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मैं लास्ट में आप लोगों को इसको वन बाई वन समझा के स्टेप बाई स्टेप और इसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है वो दिया हुआ है कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो क्या होता है, और 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दिए हुए हैं। अब देखिए, इसमें सेकेंडरी डेटा का यूजफुल जो होता है, यूज जो है वो किस रूप में करना चाहिए वो दिया हुआ है। देखिए, जो सेकेंडरी डेटा होता है उसका यूज करने से पहले आप लोगों को एकदम केयरफुल हो के उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, जांच कर लेना चाहिए कि ये डेटा कैसा है, क्या इसका यूज करना या किसी दूसरे को देना उचित है या नहीं है। तो उस अनुसार आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें लिखा है शुड बी यूज्ड आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी, ये आप लोगों का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप लोगों को कोई भी डाटा देने से पहले इसकी जानकारी अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स एट ए टाइम, जो कंप्यूटर होता है एक समय में कितने एग्जीक्यूशन कर सकता है, तो वो एक समय में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है एग्जीक्यूशन वो कर सकता है। जो फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उसमें इंस्ट्रक्शन जो होता था वो 250 या सॉरी 300 इंस्ट्रक्शन होते थे, लेकिन आज के डेट का जो कंप्यूटर है प्रेजेंट टाइम का वो मिलियन इंस्ट्रक्शन ऑफ पर सेकेंड करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, जो सीपीयू होती है वो किस किस यूनिट से मिलके बनी होती है, तो जो सीपीयू होती है वो अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट और सेंट्रल यूनिट, इन तीनों को मिला के क्या होता है, बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए सिक्वेंशियल मैनर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू ईच कॉल, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको एक सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर दिया जाता है, और वो ये देखता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और किस वे में करना है। तो ये जो प्रोसेस है या जो ये डिफिनेशन है ये किसकी डिफिनेशन है या ये प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, प्रोग्राम कहलाती है। प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज किए होते हैं, और कंप्यूटर को क्या करना है, किस वे में करना है, कैसे यूजर के साथ इंटरेक्ट होना है, कैसे उसको इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेज है कैसे उसको कनेक्ट करना है, तो ये सब टोटल की जानकारी उसमें दी होती है, उसको हैंडल करने की उसमें कैपेसिटी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स अ सिंपल मैथ्स फॉर सीपीयू, सीपीयू के लिए जो सिंपल मैथ्स का जो सॉल्व करता है या जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी यूनिट होती है, तो वो होती है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, देखिए हार्डवेयर के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखी है कि हार्डवेयर जो होता है उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो हार्डवेयर नहीं है।
तो देखिए मॉनिटर को आप तो टच कर सकते हैं तो हार्डवेयर हो जाएगा, कीबोर्ड को भी आप टच कर सकते हैं तो हार्डवेयर हो जाएगा, उसी तरह माउस को भी टच कर सकते हैं तो हार्डवेयर हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे एक विंडोज दिया हुआ है ये हार्डवेयर नहीं होता, ये क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में सिस्टम सॉरी ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, जो हार्डवेयर नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है उस वो किससे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो WWW है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे शॉर्ट में W3 भी बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो बी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग ए लेटर इज कॉल्ड। जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है? जैसे आपने कोई वर्ड में या कहीं पर भी लेटर लिखा तो वो किस टाइप का अथु सॉफ्टवेयर आता है? तो वो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी जो है वो क्या हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज प्रेस्ड टू वर्क एज डायरेक्शनल एरो फ्रॉम नंबर पैड। अब देखिए नंबर पैड पर जो एरो का डायरेक्शन होता है उसको देने के लिए किस जो नंबर होता है उसका प्रेस किया जाता है या किस की का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है एरो लॉक का प्रयोग किया जाता है ताकि जो एरो है उसका डायरेक्शन हमको मिल सके। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। जो फोर ऑप्शन दिए हैं इसमें आप लोगों का कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए बेसिक एक लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का, कोबोल भी एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, फोर्ट्रान भी एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, लेकिन जो यहाँ पे लोटस दिया हुआ है ये कंप्यूटर का कोई भी लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। लोटस हमारा क्या होता है? एक फूल का फ्लावर का नाम होता है। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट पे फर्स्ट जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाले फ्री में सर्विस प्रोवाइड करने वाले थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सबीर भाटिया, जिन्होंने इंटरनेट पर सबसे पहले फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड करी थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेगा फ्लॉप्स स्टैंड फॉर। देखिए मेगा का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि 10^6 होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मेगा का ही मतलब पता होगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या कर सकते हैं टिक कर सकते हैं। यदि आपको ये भी नहीं पता है तो फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मेगा फ्लॉप्स बराबर क्या हो जाएगा 10^6 फिक्स्ड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला है आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जो आधार कार्ड आप लोगों का होता है वो कितने डिजिट्स का होता है? तो आधार कार्ड का जो नंबर आप लोग देखेंगे ये कितने डिजिट्स का होता है? 12 डिजिट का होता है। अब देखिए ये IIT जैम 2012 में आया हुआ है। IIT जैम पहले IIT रुड़की जो है MCA कराती थी तो इस एग्जाम को हैंडल करती थी, बट अभी IIT रुड़की MCA नहीं करा रही है तो इसलिए अब ये एग्जाम नहीं होता है। तो फिर भी मैंने उसका फंडामेंटल क्वेश्चन उठा लिया है कि आपके नेम सेट या कहीं अदर एंट्रेंस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा राइट, 12 डिजिट का होता है आप लोगों का आधार कार्ड का नंबर। नेक्स्ट है SMS स्टैंड फॉर। जो SMS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, SMS का फुल फॉर्म।
नेक्स्ट है, विच कंपनी इज द लीडर इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में जो सभी कंपनियों की लीडर है वो कौन सी कंपनी है? तो वो कौन सी कंपनी है? सिस्को कंपनी है। सिस्को के बारे में जैसे जो लोग नेटवर्किंग का कोर्स करते हैं तो उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सिस्को के ही तरफ से मिलता है, वो सिस्को सर्टिफाइड होता है। तो इसलिए जो जितनी भी कंप्यूटर नेटवर्क है उनमें जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है, सबकी लीडर है, वो कौन सी कंपनी है? सिस्को है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 8 GB? अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके लिए मैंने आप लोगों को जो वीडियो रिवीजन वाली डाली थी उसमें एक टेबल दे रखी थी, उसमें सारे के सारे गीगाबाइट्स, टेराबाइट, एक्साबाइट जितने भी हैं सबके 2 के पावर में कितने होते हैं और 10 के पावर में कितने बाइट्स होते हैं, ये टोटल के टोटल हमने उसमें लिख रखे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से आप जाके उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि जो 8 GB होता है वो 2 की पावर 33 bytes होता है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर लैंड? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। तो ऑप्शन नंबर ए का लोकल एरिया नेटवर्क आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए सर्च इंजन, जो आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन जो है वो एक क्या होता है? तो जितने भी सर्च इंजन है या जो सर्च इंजन होता है वो क्या होता है? एक वेबसाइट होता है। तो एक वेबसाइट ये किस में लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी और वेबसाइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेन मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर, जो मेन मेमोरी है उसका यूज क्यों होता है कंप्यूटर कंप्यूटर में? तो देखिए, जो मेन मेमोरी होती है वो क्या करती क्या है कि जितने भी स्मॉल अमाउंट के जो डेटा होते हैं या जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको क्या करती है? स्टोर करके रखती है। तो ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब देखिए, जब भी कोई भी कंप्यूटर की CPU या उसको आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले वो मेमोरी हायरार्की में सबसे पहले आता है, रजिस्टर के पास, फिर कैसे के पास, फिर मेन मेमोरी के पास आता है और यहाँ तक आके ऐसे ऐसे मतलब एक क्रम में आता है, फिर इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में आएगा और इन सबसे डेटा क्या करता है? सर्च करता है। तो वही चीज़ दिया है कि जो मेन मेमोरी है वो यूनिट है कंप्यूटर का, तो वो क्या करता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा या इंस्ट्रक्शन रहता है उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कैन नॉट बी यूज्ड मेजर ऑफ द कंप्यूटर स्पीड ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की स्पीड नापने के लिए इनमें से कौन सा एक ऐसी यूनिट है जिनका उपयोग यूज नहीं किया जाता है? तो देखिए, MIPS का यूज किया जाता है, MFLOPS का भी यूज किया जाता है और फ्लॉप्स का भी यूज किया जाता है, बट ये जो बॉड होता है इसका यूज नहीं किया जाता है। तो बॉड मतलब डी ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स कैन बी यूज फॉर, जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट होते हैं उनका यूज कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है? तो उनका काउंटिंग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, HTTPS स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है बट यहाँ पे HTTP का तक का ही फुल फॉर्म लिखा है। तो देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर ए में क्या किया है? दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे यदि यस मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपको यस का फुल फॉर्म क्या लिखना है? सिक्योर लिखना है। यस फॉर क्या हो जाएगा? सिक्योर। तो एच फॉर हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट, टी फॉर ट्रांसफर, फिर पी फॉर प्रोटोकॉल और यस लिखा रहेगा तो सिक्योर इंक्लूड कर देंगे और यस नहीं लिखा रहेगा तो आप लोग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तक ही रखेंगे। नेक्स्ट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड इन 2019 हैज बीन नेम्ड एज,
2009 में आप लोगों को कौन सा ऑपरेटिंग विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो रिलीज हुआ था, तो वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज 7। और ये किस डेट को रिलीज हुआ था, तो 27 अक्टूबर। ये आप लोगों को डेटा क्वेश्चन में नहीं गिवेन था, बट मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए डाल दिए ताकि आप लोग यदि इसको लर्न रखेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्पफुल मिलेगी। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। जो फोर ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं उनमें कौन सा एक ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए जो गूगल है वो सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है, बट ये जो जिंग है वो सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स आर, जो आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स यूज करते हैं वो एक प्रकार का क्या है, तो वो एक प्रकार का W3 ब्राउजर, WWW क्या है, ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is not an operating system? तो देखिए आप लोग का जो फोर ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज एक्सपी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो ओरेकल 9.0 है ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि ये एक कंपनी का नाम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आईपी एड्रेस ऑन ए नेटवर्क। देखिए आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, तो आईपी एड्रेस जो होता है वो 0 से लगा के 255 तक होता है, और टोटल की टोटल आप लोगों की नंबर या संख्या की बात करी जाए तो 256 होते हैं। अब देखिए 0 से लेके 255 जो है वो लास्ट डिजिट होता है। अब इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 256 दिया हुआ है, मैंने अभी बताया है कि उसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक होते हैं, बट यहाँ पे 256 दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 257 दिया है और होना कितना चाहिए, 255 से कम होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 256 दे दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बट इसमें 10 है 10 है, 25 है 25 है, मतलब 4 के 4 जितने भी दिए हुए हैं आईपी एड्रेस टोटल के टोटल क्या है, वैलिड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। जो फोर ऑप्शन है इसमें रैंडम एक्सेस स्टोरेज टाइप का डिवाइस कौन नहीं है, देखिए मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो रैंडम एक्सेस स्टोरेज टाइप का डिवाइस होता है, फ्लॉपी डिस्क भी होती है और सीडी भी होती है, बट जो हार्ड डिस्क आपका है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोस इज एक्रोनिम फॉर, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, ASCII स्टैंड फॉर, जो ASCII होता है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज प्रोसीजर। ये जो फोर ऑप्शन है इसमें कौन ऐसे हैं जो लैंग्वेज को प्रोसीजर करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, तो देखिए कंपाइलर जो हमारा है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और असेंबलर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, बट ये जो लोडर है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, राइट हो जाएगा, लोडर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, यदि है पूछता तो फिर उसके अनुसार आंसर बनता, लेकिन नॉट दिया हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, लोडर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनेट प्रोटोकॉल।
फोर ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए, एलटीपी इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी भी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी भी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट जो ये एटीएम होता है, ये किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 GB इज। देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए रहें तो आप लोगों को पूरी की पूरी टेबल याद रहनी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी टेबल में मैंने आप लोगों को लिस्ट बना के दी थी कि कौन 2 के पावर कितना होता है और कौन 10 के पावर कितना होता है। तो जो 1 GB होता है, ये 2 के पावर कितना होता है, 30 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को टेबल भी लिख के रखी है, जहाँ ये गीगाबाइट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, गीगाबाइट बराबर दिया है 10 के पावर 9 दिया हुआ है और 2 के पावर 30 दिया हुआ है। मान लीजिए आपसे एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन बन जाए, पेटाबाइट का बन जाए, तो पेटाबाइट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 के पावर 15 याद रखना है और 2 के पावर 50 याद रखना है। तो ये टेबल मैंने आप लोगों को दे रखी है, ताकि आप लोग इसका यूज करके ये सारे के सारे टेबल याद रखें। हो सकता हो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द रजिस्टर विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। जब भी